नमस्कार दोस्तों, सुखटैक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड का मीटर, डिजिटल मीटर SF372 के बारे में, जो कि हमारा डीटीएच के सिग्नल को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जितने भी हमारे डीटीएच हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे टाटा स्काई, चाहे डिश टीवी, उसके सिग्नल को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ जो मिलता है वो इस तरह का बैटरी कनेक्टर मिलता है, बैटरी और इस तरह का कनेक्टर और इस तरह का ये कनेक्ट करने के लिए मिलता है दोस्तों ये, और इसके साथ एक एसी अडेप्टर आता है। तो दोस्तों जहां भी आप डिश का काम करने जाएंगे तो आपको वायर साथ में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये बैटरी यूज करना पड़ता है, जो कि इसमें 8 सेल यूज होता है, 80 रुपीज़ का इसमें सेल यूज होता है, और ये एक या दो बार यूज करने से ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसे इस तरह से यूज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों इसका मैंने कुछ जुगाड़ निकाला है, वो मैं आज आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी भाई ये मीटर यूज़ करता है तो उसे किस तरह से इसे यूज़ करना है, वो चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपका बैटरी भी यूज ना हो। तो दोस्तों मैंने जो जुगाड़ बनाया हुआ है वो मैंने यहाँ पर एक पावर बैंक लिया हुआ है और एक डाटा केबल लिया हुआ है, जिसकी मैंने सिर्फ दो ही वायर रखी है, और इन दोनों वायर को मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा इसका बैटरी का अडेप्टर है। इसे आप मल्टीमीटर से पता कर लें कि कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव है, उस तरह से आप इसे इसका कनेक्शन कर लें। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये अडेप्टर है उसमें रिसीवर में आपको इसको लगा देना है। इस तरह से, और दोस्तों इससे पहले हम जो यूज करते थे वो इस बैटरी से यूज करते थे, अब हम इस बैटरी का यूज नहीं करेंगे। इसे मैंने यहाँ से काट लिया है और इस दो वायर को यहाँ से जोड़ लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने एमआई का पावर बैंक लिया हुआ है, जिसके साथ मैं इसे कनेक्ट करूंगा। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ये पावर बैंक से कनेक्टेड हो गया है। दोस्तों ये 10,000 mAh का पावर बैंक है, जो एक बार चार्ज करने से लगभग 6 महीने तक आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो मेरे जो भी भाई डीटीएच का काम करता है वो इस वीडियो को जरूर एक बार देख लें, प्रॉपर काम कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर एक जुगाड़ बनाया है। तो दोस्तों जिसे भी दोस्त को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।